फ्रूट फ्लावर के पार्ट से डेवलप हुआ चीज है तो अगर कोई फ्लावर के पार्ट से चीज डेवलप होती है फ्रूट। so कोकोनट का ये पोर्शन तो जिसको अगर के बनाया तो वो अपनी मार्केट वैल्यू खो देगा फॉर एग्जाम्पल एप्पल फॉर एग्जाम्पल मैंगो प्लीज पेमेंट किस से जुड़े हुए पेटल से जुड़े हुए हैं इसलिए इसको क्या बोलते हैं

फ्रूट इज ओवरी फ्रूट क्या है एक है, ठीक है तो अब आपके जवाब पर आते हैं बच्चों लेट्स सी कि कितने सारे बच्चों का सही होगा वेजिटेबल्स के नाम में ही वेजिटेबल्स वर्ड आ रहा है और वेजिटेबल्स हम उन्हीं को बोलते हैं जो वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द्लान से डेवलप हो फॉर एग्जाम्पल आलू खाते हैं अदरक खाते हैं प्याज खाते हैं दे दे ऑल ऑल आर 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 मॉडिफाइड वेजिटेटिव पार्ट अगर हम आलू की बात करें तो वो किसका मॉडिफिकेशन है स्टेम का है गाजर मूली की बात करें तो किसका मॉडिफिकेशन है रूट का है है ना स्वीट पोटैटो की बात करें रूट का मॉडिफिकेशन है तो रूट और स्टेम क्या है वेजिटेटिव पार्ट है तो जो प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट से डेवलप हो दैट इज कॉल्ड एज वेजिटेबल्स फ्रूट क्या होता है फ्रूट फ्लावर के पार्ट से डेवलप हुआ चीज है तो अगर कोई फ्लावर के पार्ट से चीज डेवलप होती है सो दैट इज टर्मड एज फ्रूट ठीक है उसको हम बोलते हैं फ्रूट तो फ्रूट इज वॉट फ्रूट इज राइपेंट ओवरी ठीक है ओवरी कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट में और जो ओवरी की वॉल है ओवरी की जो वॉल है वो कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट की वॉल में किसमें कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट की वॉल में जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों जिसको हम बोलते हैं पेरी क्या बोलते हैं पेरी कार्प पेरी कार्प के तीन लेयर्स होते हैं आउटर वन मिडिल वन एंड इनर वन एंड इनर वन ठीक है इनर वन हटा देती हूँ इनर लिखती हूँ सिर्फ इनर वाला ठीक है जो आउटर होता है हम उसको बोलते हैं एपी कार्प एपी मतलब बाहर के तरफ ठीक है मिडिल वाले को हम बोलते हैं मीजोकार्प और सबसे अंदर वाले को बोलते हैं हम बच्चों एंडोकार्प क्या बोलते हैं एंडोकार्प सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है इसको समझने के लिए आम आम हम सबका फेवरेट है ठीक है अभी सर्दी सर्दियां खत्म होगी गर्मियों का सीजन आएगा और आपको भर भर के आम दिखाई देगा और हम जूस भी पीते हैं तो आम इज समथिंग जिस तो सब सब उससे फेमिलियर हैं तो आम जब हम अपने घर में लाते हैं बच्चों उसका छिलका उतारते हैं ठीक है वो इट सेल्फ अ फ्रूट है ठीक है राइपेंट ओवरी है बट उसके तीन हिस्से आपको दिखाई देंगे जो छिलका उतार देते हो जो सबसे बाहर की तरफ होता है जो जो हम 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 खाते खाते हैं, जिसका हम जूस बनाते हैं, 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 जिसका बनाते और अंदर का जो stony portion होता है, hard, उसको हम थोड़ी हैं, है उसको थोड़ी ना? देखते हैं, तो और बेटर समझ में आएगा ये देखो आम है सुंदर सा बना हुआ ये देखो छिलका इज एपिकार्प ये जूसी वाला पोर्शन इज मीजो और ये अंदर स्टोनी वाला एंडोकार्प कभी इसको तोड़ा है तोड़ करके अंदर देखोगे तो तुम्हें मिलेगा सीड और ये सीड कैसी होगी ये सीड तुम्हारी होगी कैसी होगी डाइकॉट सीड है ठीक है सेम यहाँ पर देखो कोकोनट का भी एग्जाम्पल लिया हुआ है कोकोनट का ये पोर्शन क्या लिखा हुआ है सीड ये वाला पोर्शन क्या है बच्चों एंडोकार्प और ये वाला पोर्शन क्या है द मीजो द मीजो अच्छा ये क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों कि इसमें आप क्या खाते हो इसमें आप खाते हो पोर्शन द एडिबल पोर्शन ऑफ मैंगो क्या है हम खाते हैं। अगर कोकोनट में पूछा जाए तो क्या खाते हो आप ये चीज खाते हो जिसको यहाँ पर सीड लिखा हुआ है ठीक है और ये क्या है बच्चों इसकी सीड में क्या प्रेजेंट है एंडोस्पर्म तो कोकोनट का आप क्या खाते हो एंडोस्पर्म खाते हो जो नारियल पानी पीते हो ना वो लिक्विड एंडोस्पर्म है और जो मलाई खाते हो आप, आप ये सारा आप पढ़ोगे कि endosperm इस तरीके से कैसे बनते हैं। बस आपको ये याद रखना है कि में एडिबल पोर्शन इज है? जो सीड का हिस्सा होता है वेयर एज यहाँ पर जो एडिबल पोर्शन है दैट इज मीजो तो ये है फ्रूट ठीक है किससे बना है इट इज मेड फ्रॉम राइपेंड ओवरी पार्ट फ्लावर का एक पार्ट है जो कन्वर्ट हुआ है फ्रूट में अच्छा फ्रूट के वैसे बहुत सारे टाइप्स होते हैं बच्चों बट हम कौन से फ्रूट्स पढ़ रहे हैं हम सिर्फ पढ़ेंगे फ्रूट्स कौन से फ्रूट्स फ्रूट्स बिकॉज एनसीआर में सिर्फ ड्रू फ्रूट्स है और फ्रूट्स पर बच्चों क्वेश्चन ही नहीं आते तो पढ़ने क्यों हैं कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको ठीक है आपको जो भी क्वेश्चन मिलेगा ये आपको यहीं से मिलेगा ड्रू फ्रूट्स किससे मिलेगा ड्रू फ्रूट्स ड्रू फ्रूट्स क्या होता है बच्चों ड्रू फ्रूट्स हम ऐसे फ्रूट्स को बोलते हैं जो किससे डेवलप हुए हो डेवलप्स फ्रॉम डेवलप्स फ्रॉम मोनोकार्पेलरी मोनोकार्पेलरी सुपीरियर ओवरी मतलब ओबरी से तो बना है बट ओबरी के भी बहुत सारे टाइप होते हैं इन्फीरियर सुपीरियर हाफ इनफीरियर हाफ सुपीरियर बट ये जो ड्रू फ्रूट बनता है वो कौन सी ओबरी से बनता है सुपीरियर ओबरी और कितने कार्पल वाली ओबरी से एक कार्पल तो जो भी ओबरी सुपीरियर हो और मोनो कार्पल हो और वो फ्रूट में कन्वर्ट होती है तो ऐसे फ्रूट को हम क्या बोलते हैं ड्रू फ्रूट और एग्जाम्पल क्या है इसका मैंगो और कोकोनट ये दोनों ड्रू फ्रूट्स कहलाए जाते हैं क्यों बिकॉज ये दोनों फ्रूट्स बने हैं सुपीरियर एंड मोनोकार्पेलरी ओवरी से बस इतना ही आपने याद रखना है ठीक है बच्चों नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बच्चों डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स क्या पढ़ेंगे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स ठीक है टाइप्स तो वो वाला टाइप नहीं है कि मैं आपको बेरी भी कैप्सूल फ्रूट भी पढ़ाऊँ वो सिलेबस में नहीं है ड्रू फ्रूट्स ये ड्रू फ्रूट्स पढ़ा लिया है यहां पर हम बात करेंगे कि ट्रू फ्रूट्स क्या होता है पार्थिनो कार्पिक क्या होता है और फॉल्स फ्रूट क्या होता है सबसे पहले हेडिंग देते हैं ट्रू फ्रूट्स के बारे में ठीक है ट्रू फ्रूट्स हम उस फ्रूट्स को बोलते हैं जो किससे बने बच्चों जो ओवरी से बने इट डेवलप्स, इट डेवलप्स फ्रॉम ओवरी इट डेवलप्स फ्रॉम ओवरी फॉर एग्जाम्पल अभी हमने पढ़ा ना मैंगो कोकोनट वो एक तरीके के ट्रू फ्रूट्स ही हैं नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फॉल्स फ्रूट फॉल्स फ्रूट या हम बोलेंगे सीडो कार्पिक फ्रूट सीडो मतलब फॉल्स या सीडो कार्प भी लिख सकते थे कार्प अगर लिख दिया है तो कार्प का मतलब होता है फ्रूट्स ठीक है इसका क्या मतलब होता है कब हम एक फ्रूट को फॉल्स फ्रूट बोलते हैं विच डेवलप्स विच डेवलप्स फ्राम अदर देन ओवरी ओवरी के अलावा किसी और पार्ट ऑफ दी फ्लावर से बने तो वो क्या कहलाए जाएंगे बच्चों फॉल्स फ्रूट फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल एप्पल पियर ठीक है जैसे एप्पल और पियर में आप क्या खाते हो आप थैलेमस खाते हो आप क्या खाते हो थैलेमस तो थैलेमस फुला हुआ पोर्शन होता है फ्लावर का देखो ये भी फ्रूट है वो 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 भी फ्रूट फ्रूट है क्यों क्योंकि मैंने अभी आपको बताया बच्चों हर चीज जो फ्लावर के पार्ट से बने कहलाई जाएगी अगर उस फ्लावर का ओवरी कन्वर्ट हो रहा है फ्रूट में तो वो ट्रू फ्रूट होगा अगर ओवरी के अलावा कोई और चीज फ्रूट बना रही है तो वो फॉल्स फ्रूट होगी तो एप्पल हो गया पियर हो गया क्लास ट्वेल्थ में एग्जाम्पल लिखा हुआ है कैशियो का और एक और एग्जाम्पल है स्ट्रॉबेरी का तो ये चारों क्या है बच्चों फॉल्स फ्रूट है फिर एक होता है बच्चों पार्थिनो कार्पिक फ्रूट क्या होता है नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पार्थिनो कार्पिक फ्रूट पार्थिनो कार्पिक फ्रूट्स पार्थिनो कार्पिक फ्रूट्स क्या होता है बच्चों पार्थिनो का मतलब क्या है पार्थिनो का मतलब वर्जिन और कार्पिक का मतलब है बोला था ना कार्पिक लगा दो तो फ्रूट का मतलब होता है तो इसको वर्जिन फ्रूट क्यों बोलते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन और क्योंकि इसकी कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तुम्हें जो फ्रूट बन के सॉरी हाँ सॉरी जो फ्रूट बन के आएगा उसमें कोई सीड नहीं होगा ऐसे फ्रूट को हम क्या बोलते हैं ऐसे फ्रूट को हम सीडलेस फ्रूट बोलते बोलते हैं क्या हैं सीडलेस फ्रूट तो अगर आपको पूछा जाए कि इज तो कार्पिक वो फ्रूट होता है जो बिना फर्टिलाइजेशन से बने और क्योंकि बिना फर्टिलाइजेशन के बना है आपको कोई सीड देखने को नहीं मिलेगा इसलिए इसको सीडलेस फ्रूट बोलेंगे और इस फिना को इस फिनोमिना को क्या बोला जाता है पार्थेनोकार्पी जिसके थ्रू ये बनाए जाते हैं उसको क्या बोला जाता है बच्चों पार्थेनोकार्पी जैसे बहुत सारे फ्रूट्स के आपको पता होंगे जो सीडलेस हैं जो पार्थेनोकार्पी का रिजल्ट है एक तो आप बताओगे ग्रेप्स और दूसरा बताओगे बनाना जो छोटे छोटे ग्रेप्स हम अपने घर में लाते हैं ना बच्चों उसमें आपको बीज नहीं दिखाई देते होंगे क्यों क्योंकि दे आर द रिजल्ट ऑफ पार्थेनोकार्पी सेम गोज विथ मैंगो सॉरी सेम गोज विथ बनाना बनाना इज ऑल्सो वॉट पार्थेनो कार्पी ठीक है लेकिन यार आपने वो बड़े बड़े वाले क्रेब भी खाए हैं जिसमें बीज होती होगी है ना देखा होगा बच्चों?

अगर ऐसे जनरल नॉलेज के लिए मैं आपसे पूछू देना देखना कितने बच्चे जवाब दे पाते हैं ठीक है अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा ऐसा और बहुत नॉर्मल है बहुत अंग्रेज हाइब्रिड फ्रूट्स में चले जाना बाहर की इम्पोर्टेड फ्रूट पर देसी फ्रूट्स का एक नाम पूछ रही हूँ मैं कि ऐसा कौन सा फ्रूट है जिसको अगर पार्थिनो के थ्रू बनाया जाए तो वो अपनी मार्केट वैल्यू खो देगा फॉर एग्जाम्पल एप्पल फॉर एग्जाम्पल मैंगो फॉर एग्जाम्पल अनार एंड फॉर एग्जाम्पल ग्रेप्स ये चार एग्जाम्पल बहुत ईजी कर दिया है मैंने अब अब आप सोचो और बताना मुझे ठीक है देखते हैं कि इन बच्चों का आंसर सही है कि जिन इसमें से कौन से ऐसे फ्रूट्स हैं जिनको पार्थिनो कार्पी के थ्रू बनाया जाए तो अपना मार्केट वैल्यू खो देंगे ठीक है सोचो फिर बताना ओके सो यस दिस वाज ऑल अबाउट द डिफरेंट फ्रूट्स जो हमें पढ़ना था अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे बच्चों अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे सीड के बारे में ठीक है सीड क्या होता है बच्चों सीड मेच्योर ओ व्यूल गेट्स कन्वर्टेड इन टू सीड ठीक है नेक्स्ट कितने टाइप्स पढ़ने आपको एज पर एन सी आर टी हम पढ़ेंगे थ्री टाइप्स नंबर वन वी गोन स्टडी वॉट इज मोनोकॉट सीड दूसरा हम पढ़ेंगे वॉट इज डाइकॉट सीड और तीसरा हम पढ़ेंगे वॉट सीड और ये सारी चीजें बच्चों आपको क्लास ट्वेल्थ में भी पढ़नी है तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सीड के बारे में पढ़ना एंड विच इज मोनोकॉट सीड मोनोकॉट में आपको वर्ड आ रहा है मोनो mono. इसको मोनोकॉट क्यों बोला जा रहा है बिकॉज देर इज अ प्रेजेंस ऑफ सिंगल कॉटलिडन सिंगल कॉटलिडन और सिंगल कॉटलीडन का नाम क्या है बच्चों यहाँ पर लिखा है दैट स्क्यूटेलम क्या क्या नाम है है तो जिन भी सीट के पास एक हो उसको क्या बोला जाता है बच्चों उसको बोला जाता है स्क्यूटेलम ठीक है तो मोनो से याद रखना मोनो का मतलब क्या होता है मोनो का मतलब होता है वन मोनो का मतलब क्या होता है बच्चों वन ठीक है अब डायग्राम देखो बच्चों इस डायग्राम में यही है द सिंगल कॉटलिडन जिसको हम बोलते हैं स्क्यूटलम डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि मोनोकॉट में सिंगल कॉटलिडन का नाम बताओ तो ये इसका नाम क्या है वन लार्ज वर्ड है एंड शील्ड शेप्ड कॉटलीडन शील्ड शेप्ड कॉटिलिडन ठीक है अब आप खुद देखो यहां पर डायग्राम जरूर बनाना अपने कॉपी में बच्चों ये जो सीड है आपको यहां पर एंडोस्पम दिखाई दे रहा है आप डायग्राम देखो जिन भी सीड के पास एंडोस्पम प्रेजेंट होता है उनको एंडोस्पर्मिक सीड बोलते हैं अब आप सोच रहे क्या है है फूड स्टोरिंग टिश्यू कैसा टिश्यू है फूड स्टोरिंग टिश्यू है तो सबसे पहली बात तो हम यहाँ पर लिखेंगे ये पहला पॉइंट हो गया दूसरे पॉइंट में हम लिखेंगे एंडोस्पम प्रेजेंट एंडोस्पम प्रेजेंट एंडोस्पम क्या है एंडोस्पम इज फूड स्टोरिंग टिश्यू एंडोस्पम क्या है इज द फूड स्टोरिंग टिश्यू नेक्स्ट हम लिखेंगे बच्चों सिंस एंडोस्पम प्रेजेंट सिंस एंडोस्प प्रेजेंट सच सीड इज नोन एज एंडोस्पर्मिक सीड ऐसी क्या बोलते हैं एंडोस्पर्मिक या एल्बीमिनस सीड एलबीमिनस सीड और आप खुद देखो कि जो इनका एंडोस्पर्म है एंडोस्पर्म है दैट इज सराउंडेड डायग्राम देखो बच्चों एनसीईआरटी में बना हुआ है दैट इज सराउंडेड बाय अ प्रोटीन लेयर दैट इज सराउंडेड बाय प्रोटीन लेयर और इस प्रोटीन लेयर को क्या बोलते हैं

नेक्स्ट हम क्या देखेंगे नेक्स्ट हम देखेंगे बच्चों अगर आपसे पूछा जाए अगर आपसे पूछा जाए कि क्या सारे के सारे मोनोकोट्स एंडोस्पर्मिक वाले होते हैं नहीं ऐसा नहीं है देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस ठीक है तो हम इसमें एग्जांपल लिखेंगे एंडोस्पर्मिक में कि मोस्ट ऑफ दी मोनोकोट्स मोस्ट ऑफ दी मोनोकोट्स आर एंडोस्पर्मिक मोस्ट क्यों लिख रही हूं क्योंकि इसमें एक एक्सेप्शन है एक क्या कुछ एक्सेप्शन होते हैं हमें एक एक्सेप्शन के बारे में पढ़ना है एक्सेप्ट ऑर्किड्स, ऑर्किड है, but उसमें एंडोस्पर्म नहीं होता ऑर्किड की सीड कैसी होती है नॉन एंडोस्पर्मिक, कैसी होती है बच्चों नॉन एंडोस्पर्मिक इसीलिए वो इसका बन गया है एक्सेप्शन क्लियर है तो ये किसके बारे में हमने पढ़ा ये हमने पढ़ा है किसके बारे में मोनोकॉट सीट के बारे में एंडोज कंप्लीट कर लिया एलिरॉन लेयर कंप्लीट कर लिया आप ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है सबसे बाहर की कवरिंग ये सीड है और सीड की कवरिंग जो उसको प्रोटेक्ट करके रखती है उसको क्या बोलते हैं सीड कोट स्केटुलम पढ़ लिया सबसे बड़ा ठीक है शील्ड शेप्ड कॉटलेटन जिसको बोलते हैं स्क्यूटुलम अब यहाँ पर आओ यहाँ पर दिया हुआ है प्लूम्यूल बच्चों आपको बताया है ना कि जब सीड होती है तो प्लूम्यूल निकलता है रेडिकल निकलता है है ना प्लूम्यूल आगे जाके शूट बनाता है रेडिकल आगे जाकर रूट बनाता है यहाँ पर मोनोकॉट के पास एक जो खास बात है कि प्लूम्यूल को प्रोटेक्ट करने के लिए देखो ये सारे कवरिंग कवरिंग को क्या बोलते हैं कोलियोप्टाइल रेडिकल को प्रोटेक्ट करने के लिए कवरिंग है जिसको हम क्या बोलते हैं कोलियोराइजा सच टाइप ऑफ शीट और कवरिंग आपको डाइकॉट्स में लेबलिंग नहीं दिखाई देती है ठीक है तो इस चीज को लिखेंगे बच्चों कि प्लूम्यूल और रेडिकल्स आर इनक्लोज इन शीट्स ठीक है नेक्स्ट ई पॉइंट प्लूम्यूल कवर्ड बाय शीत उसका नाम क्या है कोलियोप्टाइड अच्छा बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि किसकी कवरिंग कौन है ठीक है तो पी फॉर प्लूम्यूल और जिसमें भी पी वर्ड आए तो कोलियोप्टाइल किसकी कवरिंग है प्लूम्यूल की कवरिंग है अगर रेडिकल की कवरिंग पूछे तो आर फॉर रेडिकल इट इज कवर्ड बाय कोलियोराइजा तो देखो इसकी स्पेलिंग में क्या आ रहा है बच्चों इसकी स्पेलिंग में आर आ रहा है आर फॉर रेडिकल तो इस तरीके से याद रखोगे तो भूलोगे नहीं ठीक है तो दिस वॉज ऑल अबाउट दी मोनोकॉट सीड नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वी विल टॉक अबाउट डाइकॉट डाइ का मतलब क्या होता है बच्चों दो तो इसको डाइकॉट क्यों बोलते हैं इसको डाइकॉट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके पास कितने कॉटलिडेंस होते हैं इसके पास दो कॉटलिडेंस प्रेजेंट है ठीक है अब चना सबने खाया है राजमा सबने खाया है चना व्हाइट हो चाहे ब्लैक हो दे ऑल आर वॉट दे ऑल आर डाइकॉट्स जब उसको आप फाड़ोगे ठीक है तो आपको

एंडोस्पर्म में स्टोर नहीं होता हम ये खाते हैं ना तो इनका खाना Cotliden में store होता है तो ऐसे लिखोगे इनके पास दो Cotliden है और इसी Cotliden को को हम हम क्या बोलते है? इस को हम बोलते हैं? हैं इस यहां पर एज पर diagram, यू कैन सी एंडोस्पर्म क्या है एबसेंट है देर फॉर डाइकॉट सीड्स अच्छा फिर से, मैं से कि अगर मैं आपसे पूछू की अगर क्वेश्चन है कि सारे के सारे डाइकॉट्स होते हैं क्या नॉन uh, एंडोस्पर्मिक तो सवाल अगर ऑल ऑफ दॉन एंडोस्पर्मिक आएगा तो एक गलत होगा बट ज्यादातर बच्चों ज्यादातर ज्यादातर डाइकॉट्स मोस्ट ऑफ द दॉट मोस्ट ऑफ द आर नॉन नॉन एंडोस्पर्मिक एंडोस्पर्मिक बट कुछ ऐसे एक्सेप्शन भी हैं जो डाइकॉट होते हुए नॉन एंडोस्पर्मिक नहीं है और वो कौन से एक्सेप्शन है बच्चों एक्सेप्ट कैस्टर कैस्टर डाइकॉट है बट इसके पास एंडोस्पर्म होता है इसकी एंडोस्पर्मिक सीड होती है तो देखो

होती है आउटर वन आउटर सीट कोट एंड सीट कोट इनर सीट कोट आउटर सीट कोट को हम क्या बोलते हैं आउटर सीट को हम बोलते हैं टेस्टा और इनर सीट को हम क्या बोलते हैं बच्चों इनर वाले को बोलते हैं हम टेगमेन क्या बोलते हैं हम टेगमेन ये चीज याद रखना है आपको फिर चना देखा होगा ना तो चना हमेशा खाने देखा होगा ऑब्वियसली खाया होगा आप देखना जरूर तो वहां पर आपको एक थोड़ा सा पोर दिखाई देता है उस पोर को क्या बोलते हैं बच्चों उस पोर को बोलते हैं माइक्रोपाइल उस पोर को क्या बोलते हैं माइक्रोपाइल और वहीं के आसपास आप एक दाग देखते हो स्कार बोलते हैं उस दाग को क्या बोलते हैं हाइलम ठीक है उस दाग को क्या बोलते हैं हाइलम ये हाइलम क्यों बना ये देखो बच्चों होता क्या है ये ओवरी है ठीक है ये प्लासेंटा होता है और प्लासेंटा से क्या अटैच्ड होते हैं प्लासेंटा से ऐसे डंडी से अटैच्ड होते हैं ओव्यूल होते हैं ना तो ये है हमारा ओव्यूल और जिस डंडी से ये अटैच्ड होता है उसको हम बोलते हैं फ्यूनिकल तो फ्यूनिकल वो डंडी है ये ट्वेल्थ में पढ़ोगे बच्चों फ्यूनिकल वो डंडी है जो इस ओव्यूल को प्लेसेंटा से जोड़ रही है तो आप देखो इनकी पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ये फ्यूनिकल और ओव्यूल का पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है तो जब अपने आप को डिटैच करता है और सीड में कन्वर्ट होता है, है तो जिस पोर्शन से अपने आप को डिटैच करता ना वो पोर्शन बाद में स्कार में डेवलप हो जाता है और इसी स्कार को हम क्या बोलते हैं बच्चों हाइलम तो हाइलम देख करके आप ये अंदाजा लगा सकते हो अच्छा ये वही पोर्शन है जिसके थ्रू ओव्यूल फ्यूनिकल की वजह से प्लासेंटा से जुड़ा हुआ था ठीक है बच्चों, सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर डाइकॉट सीड और यहाँ पर भी आप देखो जैसे हम स्प्राउटिंग हम उसको चने को काले चने को पानी में भिगो देते हैं तो आपने देखा होगा स्प्राउट निकलता है

पेरी स्पर्मिक सीड पेरी स्पर्मिक सीड क्या होती है बच्चों 2019 में क्वेश्चन भी आया था इससे आई गेस 19 या 20 में यस yes, क्योंकि टॉपिक ट्वेल्थ में भी है, है ना तो देखो पेरी स्पर्म क्या होता है पेरी स्पर्म इस परसिस्टेंट न्यूसेलस परसिस्टेंट न्यूसेलस

यही आगे जाके किस में कन्वर्ट होता है बच्चों सीड में कन्वर्ट होता है ये जो पोर है इसको माइक्रोपाइल कहा जाता है ये फ्यूनिकल है डंडी जो प्लेसेंटा से इसको जोड़ती है ठीक है और ये आपका न्यूसेलस है क्या है न्यूसेलस न्यूसेलस प्रोटेक्टिव होता है पेरेंट

बाद में किस में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों सीड में बट कभी-कभार क्या होता है ये न्यूसेलस डीजेनरेट नहीं करती ये ओव्यूल में रहती है और ऐसे न्यूसेलस को हम क्या बोलते हैं ऐसे न्यूसेलस को हम बोलते हैं पेरिसपर्म तो जब इस तरीके का ओव्यूल जिसमें न्यूसेलस बचा हुआ है अब जाकर के वो सीड बनाएगा तो ऐसे सीड को हम बोलते हैं पेरिसपर्मिक सीड क्या बोलते हैं बच्चों पेरिसपर्मिक सीड ठीक है तो पेरिस्पर्मिक सीड क्या है पेरिस्पर्मिक सीड्स आर दो सीड्स विच आर फॉर्म्ड फ्रॉम विच आर फॉर्म्ड फ्रॉम ओव्यूल ओव्यूल विच हैज परसिस्टेंट परसिस्टेंट न्यूसेलस न्यूसेलस

सीड्स हमने कवर कर लिए नेक्स्ट हम बात करेंगे बच्चों फैमिलीज की बट फैमिली पढ़ने से पहले मैं आपको फटाफट रिवाइज करा देती हूँ क्योंकि फैमिलीज में आपको काम आएंगे फ्लोरल फार्मूलाज और फ्लोरल फार्मूलाज समझने के लिए आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए जो ऑलरेडी हमने कवर कर रखी है बट लेट्स रिवाइज बी का मतलब क्या होता है बी का मतलब होता है ब्रैकटीएट फ्लावर और अगर ई आर ई बी आर हो दैट मीन्स ई ब्रैक्टीएट ई ब्रैक्टीएट फ्लावर ब्रैक्टिएट और ई ब्रैक्टिट फ्लावर क्या होते हैं बच्चों बताया है? आपको रिवाइज करा देती हूँ ब्रैक्स क्या होते हैं ब्रैक्स होते हैं रिड्यूस लीफ लाइक स्ट्रक्चर रिड्यूस लीफ लाइक स्ट्रक्चर पे प्रेजेंट होते हैं प्रेजेंट एट पेडिसल पेडिसल मतलब फ्लावर का स्टॉक जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक प्लांट है ये प्लांट की लीफ है और ये फ्लावर है ठीक है दिस इज फ्लावर ये फ्लावर की डंडी है ठीक है? ये क्या है प्लांट की लीफ है होता क्या है होता क्या है ये फ्लावर ये फ्लावर की डंडी है फ्लावर की डंडी पर आपको छोटे छोटे ऐसे रिड्यूस लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखते हैं लीव जैसे स्ट्रक्चर दिखते हैं बच्चों एक्चुअल लीव तो ये रही उस लीफ जैसे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं ब्रैक्स तो जिस भी फ्लावर में ब्रैक्स प्रेजेंट होता है ऐसे फ्लावर को ब्रैक्टिएट फ्लावर बोलते हैं जिसमें नहीं होता है उसको बोलते हैं ई ब्रैक्टिएट ब्रैक्टिएट लिखना है तो सिंबल लगाओगे बी आर ई ब्रैक्टिएट लिखना है तो सिंबल लगाओगे ई बी आर ठीक है ये वाला साइन किसका होता है ये वाला साइन होता है एक्टिनोम का द रेडियल सिमेट्री ये वाला साइन किसका होता है बच्चों जयगोमोरफिक बाइोलेट्रल सिमेट्री ये साइन किसका होता है बाई सेक्शुअल का ये दोनों साइन किसका है यूनीसेक्सुअल का और अगर ये है दैट मीनस स्टेमिनेट फ्लावर मेल फ्लावर इट इज स्टेमिनेट मेल फ्लावर और सिर्फ अकेला ये सिंबल है दैट मीन्स पिस्टलेट पिस्टल बेसिक यूनिट है ना पिस्टलेट फ्लावर पिस्टलेट मतलब फीमेल फ्लावर इट इज ठीक है ये किसका सिंबल होता है कैलिक्स के एन का मतलब क्या है अगर ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है बच्चों दैट मीन्स पॉलीसेपलस क्योंकि कैलिक्स की बेसिक यूनिट क्या होती है बच्चों सेपल यहाँ पर ब्रैकेट लगा हुआ है तो बताया था बच्चों ये सब पढ़ा हुआ है बस रिवाइज करवा रही हूँ आपको गेमो सेपलिस. और यहाँ पर एन क्या है एन इज बेसिक यूनिट और कैलिक्स की बेसिक यूनिट क्या होती है सेपल्स एपिका का मतलब क्या होता है बच्चों एपिकैलिक्स कभी कभार किसी किसी में आपको सेप्पल से नीचे भी कुछ चीजें दिखाई देती है उससे थोड़ी छोटी होती है उसको हम बोलते हैं एपिकैलिक्स प्रेजेंट बिलो ठीक है सी किसके लिए होता है बच्चों कोरोला ठीक है अगर ब्रैकेट नहीं है तो हम इसको लिखते हैं पॉलीपेटलस क्योंकि कोरोला की बेसिक यूनिट क्या होती है पेटल अगर ब्रैकेट है तो हम इसको क्या लिखते हैं गेमोपेटलस जहां पर एन क्या है एन है नंबर ऑफ बेसिक यूनिट और कोरोला की बेसिक यूनिट क्या होती है पेटल किसका सिंबल है 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 का अगर ब्रैकेट नहीं है, that means नहीं दैट मींस फ्यूज तो हम इसको क्या लिखते हैं पॉली क्योंकि टेपल पेरियंत की बेसिक यूनिट होती है नेक्स्ट ये लगा हुआ है दैट मींस इट इज गेमो टेपलस ब्रैकेट लगा हुआ है ना ओके okay. नेक्स्ट ए का मतलब क्या होता है एंड्रोशियम एंड्रोशियम इनफनाइट इनफोनाइट ये कंडीशन क्या दिखाती है बच्चों कंडीशन दिखाती है दूसरे वर्ल्ड से जुड़ा हुआ है दूसरे यूनिट से जुड़ा हुआ है दूसरे यूनिट से जुड़ने का मतलब क्या है बच्चों दूसरे यूनिट से जुड़ने का मतलब है अडेसन तो जब ये कोरोला से जुड़ा हो तो कोरोला की बेसिक यूनिट क्या होती है पेटल तो हम इसको क्या बोलते हैं जब ये पेरियन से जुड़ा हो तो हम उसको बोलते हैं एपिफाइलस या एपिटेप्लस। फटाफट बच्चों कॉपी खोलो सब लिखा हुआ है आपने ठीक है जी का मतलब क्या होता है गाइनोशियम अगर एन ब्रैकेट में नहीं है मतलब फ्यूज नहीं है और फ्यूज नहीं है तो हम क्या लिखते हैं एपोकार्पस। अगर ब्रैकेट में है तो क्या लिखते हैं बच्चों सिनकार्पस अगर नीचे डैश है दैट मीनस हाइपोगाइनस इट इज हाइपोगाइनस फ्लावर मतलब सुपीरियर ओवरी जितने तेजी से मैं लिख रही हूँ ना बच्चों उतनी तेजी से आपने याद होना चाहिए अगर ऊपर डैश है मतलब इट इज एपीगाइनस एपीगाइनस का मतलब क्या होता है बच्चों इन्फीरियर ओवरी इसीलिए बोला था बच्चों रिवाइज करके आना रिवाइज करके आओगे फटाफट बताओगे ठीक है उसके बाद है यहाँ पर एन का मतलब क्या है एन मतलब नंबर ऑफ कार्पल्स और आगे जब फ्लोरल डायग्राम पढ़ोगे तो ऊपर डॉट दिखाई देगा उस डॉट का मतलब होता है कि वो मदर एक्सिस की पोजीशन है और वो फ्लावर का पोस्टीरियर एंड बताती है तो फटाफट रिवाइज कर लिया ना अब हम पढ़ेंगे आगे फैमिलीज ठीक है फैमिलीज पढ़ाने के लिए ओके सो डॉट फैमिली सबसे पहले पढ़ेंगे हम बच्चों डाइकॉट फैमिली में दो ही एनसीआर में दिया हुआ है वन इज योर येबेसी एंड वन इज योर सोलिनसी

टर्मिनोलॉजी पहले ही पढ़ ली है अब बस आपको बताना है कि फेबिसी में क्या क्या चीजें हैं सोलिनि में क्या क्या चीजें हैं ठीक है और एग्जाम्पल्स आपने याद रखने बच्चों एग्जाम्पल्स आप जितनी बार लिखोगे ना उतना ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस होगा और एग्जाम से पहले उसको रिवाइज करना ही पड़ेगा नो ऑप्शन है ना तो आओ फटाफट पढ़ते हैं बच्चों और एक चीज अगर फ्लोरल फार्मूला आपको याद है ना तो फ्लोरल कैरेक्टर्स याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी सिर्फ फ्लोरल फॉर्मूला से फ्लोरल फार्मूला से आप क्या नहीं बता सकते इस फ्लोरल फार्मूला से आप एस्टिवेशन नहीं बता पाओगे और प्लासेंटेशन नहीं बता पाओगे फ्लोरल फार्मूला एस्टिवेशन और प्लासेंटेशन नहीं बताती है ठीक है तो वो आपको याद करना पड़ जाएगा एस्टिमेशन और प्लासेंटेशन सारी फैमिलीज में अदरवाइज अगर फ्लोरल फॉर्मूला याद है तो फ्लोरल कैरेक्टर्स ऑटोमेटिकली याद रहेंगे सिर्फ आप एक ही एस्टिमेशन बता सकते हो फ्लोरल फॉर्मूला के थ्रू दैट इज वेगिलरी जो होता है सी वन प्लस टू प्लस टू जो हमने पढ़ा हुआ है ठीक है और अगर आपको सोच रहे हो आप कि अगर मैम फॉर्मूला से ये पता नहीं चल रहे है, तो किसके थ्रू पता चलेंगे ये पता चलते हैं थ्रू फ्लोरल डायग्राम फ्लोरल डायग्राम के थ्रू आपको एस्टिवेशन और प्लासेंटेशन पता चल जाएगा ठीक है फ्लोरल डायग्राम के थ्रू आपको एस्टिवेशन और प्लासेंटेशन पता चलेगा बट डायग्राम के थ्रू क्या चीजें नहीं पता चलती हैं आपको पोजीशन ऑफ ओवरी नहीं पता चलेगी पोजिशन ऑफ ओवरी नहीं पता चलेगी ठीक है बच्चों ये क्वेश्चन आता है कि डायग्राम के थ्रू क्या चीजें नहीं पता चल सकती पोजीशन ऑफ ओवरी नहीं पता चलेगी अभी आपको समझाऊंगी भी और फॉर्मूला के थ्रू आपको क्या नहीं पता चल सकता एक फ्लावर में एस्टिवेशन एस्टिवेशन और प्लेसेंटेशन ठीक है आओ फ्लोरल फॉर्मूला देखो फटाफट बताती हूँ इसका मतलब क्या होता है अभी पढ़ा था हमने दैट इज इजगोमोर्फिक इसका मतलब होता है बाइसेक्शुअल के का मतलब क्या है कैलिक्स पांच का मतलब क्या है पांच सेपल है अगर ब्रैकेट के अंदर है दैट फ्यूज का मतलब क्या होता है गेमोसेपलस होता है ये देखो अभी लिखा ये क्या है है सिर्फ यही एस्टिवेशन आप डिपिक्ट कर सकते हो के थ्रू अदरवाइज और, और कोई नहीं ए नाइन प्लस वन मतलब नौ सेमेन एक साथ जुड़े हुए हैं सबके फिलामेंट्स और एक अकेला है मतलब दो बंच है इस कंडीशन को क्या पढ़ा था हमने इस कंडीशन को डाई एडल्फस पढ़ा था क्या पढ़ा था डाई एडल्फस जी का मतलब क्या होता है जी का मतलब गाइनोशियम है है ना क्या मतलब है गाइनोशियम अगर नीचे डैश है दैट हाइपोगाइनस हाइपोगाइनस फ्लावर है है का मतलब ओवरी सुपीरियर है. और एक है दैट मीनस वन कार्पल है वन कार्पल को हम क्या बोलते हैं मोनोकार्पेलरी ठीक है अब देखो यही सारी चीजें बच्चों यहाँ पर लिखेंगी यही चीज सारी चीजें हम यहाँ लिखेंगे कैलिक्स कितना पढ़ा हमने हमने के लिखा था ऐसे लिखा था ना के फाइव के फाइव का मतलब क्या है पांच कैलिक्स है सारे के सारे फ्यूज हैं फ्यूज को हम क्या बोलते हैं गेमोसेपलस एस्टिमेशन क्या हो सकती है इनमें वॉलवेट हो सकती है बच्चों घबराओ मत आपको हर जगह वॉलवेट ही दिखाई देगा ठीक है आप इसमें देखो इसमें भी वॉलवेट है उसमें भी वॉलवेट है सिर्फ यहाँ पर एक जगह एक्सिलरी आएगा और कहीं नहीं ठीक है तो इसमें हो गया वॉलवेट अब नेक्स्ट हमने कोरोला लिखा था के सॉरी कोरोला हमने लिखा था सी वन प्लस टू प्लस टू तो दो दो चार एक पांच तो कितने पेटल है पांच पेटल है।, इस को क्या बोलते है? अगर देखो, याद है तो ये ऑटोमेटिकली याद रहेगा तो एंड्रोशियम एंड्रोशियम हमने लिखा है ए नाइन प्लस वन तो नौ और एक मतलब दस टेमेन है दो बंच में है और हमने पढ़ा है ना एंथर क्या होता है हमारा डाइथिकस होता है उसके बाद हमने गाइनोशियम देखो जी और वन लिखा हुआ है और नीचे डैश है डैश का मतलब क्या है हाइपोगाइनस एक का मतलब क्या है मोनोकार्पिलरी अब देखो फॉर्मूला के थ्रू प्लेसेंटेशन नहीं पता चल रहा इसमें कोई प्लेसेंटेशन पता चल रहा है नहीं पता चल रहा तो आपको प्लेसेंटेशन याद करनी पड़ेगी प्लेसेंटेशन बच्चों कैसे याद रखोगे फेबिसी का एक एग्जाम्पल याद रखो एक एग्जाम्पल है मटर ठीक है है में आता मटर तो मटर की प्लेसेंटेशन क्या होती है तो हम क्या लिखेंगे मेनी ओव्यूल्स कितना पड़ा था एक ओवरी दैट मीन सिंगल स्टाइल ठीक है तो आपको ये प्लेसेंटेशन याद रखना पड़ेगा अदरवाइज आपने सारा का सारा कर लिया है फ्रूट इसका लेग्यूम होता है इसलिए इसको हम लेग्यूमिनस प्लांट का एग्जांपल बोलते हैं लेग्यूम फैमिली बोलते लेग्यूम जो फ्रूट है वो एनसीआर में सिर्फ नाम लिखा हुआ है मतलब नहीं है आपको सिर्फ जो पढ़ना है डिटेल में और क्योंकि ये डाइकॉट है इसके सीड कैसे होते हैं बिना एंडोस्पर्म वाले होते हैं इसलिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है एंडोस्पर्मिक देखो फटाक से हमने फ्लोरल कैरेक्टर सारे के सारे खत्म कर लिए सिमिलरली हम फ्लोरल कैरेक्टर्स देखते हैं ठीक है यहाँ रब कर देती हूँ खिचपिच नहीं करते हैं सारा का सारा समझ लिया है अब यहाँ पर आ जाते हैं इसका मतलब क्या होता है सी सी का मतलब क्या होता है कोरोला पांच का मतलब क्या है पेटल पांचों के पांचों पेटल फ्यूज है इसलिए ब्रैकेट के अंदर बंद है फिर ए लिखा हुआ है ए का मतलब एंड्रोशियम पांच लिखा हुआ है इस पांच का मतलब क्या है स्टेमिन और ऊपर बनी है टोपी ठीक है इसका मतलब ये स्टेमेन किससे जुड़े हुए हैं पेटल से जुड़े हुए हैं इसलिए इसको क्या बोलते हैं एपी पेटलस फिर लिखा हुआ है जी जी का मतलब गाइनोशियम जी का मतलब क्या है गाइनोशियम यहाँ पर लिखा है दो दैट मींस दो कार्पल बाय कार्पेलरी ब्रैकेट है दैट मीन्स फ्यूज फ्यूज के लिए हम क्या वर्ड लिखते हैं सिन ठीक है नीचे डैश है नीचे डैश का मतलब क्या है बच्चों सुपीरियर कह सकते हो हाइपोगाइनस यही सारी चीजें हमने यहाँ पर फ्लोरल कैरेक्टर्स में लिखी हुई है Deekhlo, हमने यहाँ पर लिखा है ना देखो फॉर्मूला देखो के दैट पांच सेपल है फ्यूज है गेमोसेपलस वॉल्वेट एस्टिमेशन याद रखना पड़ेगा आपको फिर हमने यहाँ पर लिखा हुआ है सी एस ए फाइव सी फाइव का मतलब पांच पेटल्स हैं फ्यूज है तो हम इसको क्या बोलेंगे हम इसको बोलेंगे गेमो

ब्रैकेट का मतलब क्या है अब बाकी सारी चीजें कैसे याद रखोगे बाकी चीजें प्लेसेंटा कैसे याद रखोगे इसमें एक एग्जाम्पल याद करो टमाटर टमाटर को जो कट करते हो तो आपने देखा होगा ना बीज बीच में होती है और उस बीच में जब सीड या बीज हो तो ऐसे प्लेसेंटेशन को दैट मीन ओव्यूल बीच में तो हम उसको क्या बोलते हैं बच्चों सेंट्रल या एक्साइल प्लेसेंटेशन तो देखो एक्साइल प्लेसेंटेशन टमाटर में बहुत सारी बीजे होती है मेनी ओव्यूल्स और इसका अभी डायग्राम दिखाऊंगी इसका जो सेप्टा होता है बच्चों इसे स्लैंट होता है इसलिए बोलते हैं ओब्लिक सेप्टा और इसका प्लेसेंटा होता है सोलिन और टमाटर में वही प्लेसेंटा हम खाते हैं अलोंग विथ सीड तो देखो ये सारा का सारा हमने फॉर्मूला से पढ़ लिया ठीक है फ्रूट क्या होता है इसका बेरी होता है कैप्सूल होता है अब टमाटर में बहुत सारी सीड होती है तो याद रखना मेनी सीड देखो ये खुद डायकॉट है बट इसकी सीड एंडोस्पर्मिक वाली मतलब एंडोस्पर्म है तो देखो यहाँ पे भी आ गया ना, कि जरूरी नहीं है कि डाइकॉट है तो एंडोस्पर्म होगा हो ही होगा यहाँ पर देखो डाइकॉट होने के डाइकॉट है सॉरी डाइकॉट है तो ये जरूरी नहीं है कि एंडोस्पर्म नहीं होगा डायकॉट होते हुए भी एंडोस्पर्म रख रहे हैं एंडोस्पर्मिक है ठीक है बच्चों तो ये हमने यहाँ पर सारा कवर कर लिया है ठीक है फ्लोरल कैरेक्टर्स पढ़ लिया अब हम क्या पढ़ेंगे अब हम पढ़ेंगे बाकी सारी चीजें जैसे डिस्ट्रीब्यूशन हर पार्ट ऑफ वर्ल्ड में मिलता है एनसीआर वर्ल्ड वाइड लिखती है सोलिनि ट्रॉपिक्स में मिलेंगे सब ट्रॉपिक्स में मिलेंगे और टेम्परेट रीजन में मिलते हैं कहाँ पर मिलते हैं ये मिलेंगे आपके टेम्परेट रीजन में ठीक है हैबिट क्या हो सकता है ये श्रब्स हो सकते हैं हर्ब्स हो सकते हैं ट्रीज हो सकते हैं और क्लाइंबोर्स भी हो सकते हैं ये जनरली हर्ब्स होते हैं श्रब्स होते हैं और स्मॉल ट्रीज होते हैं बच्चों याद रखना आपने उसके बाद रूट्स अगर दोनों ही डाइकॉट है

तो लीफ में देखो अगर ये डाइकॉट है तो दोनों तरफ देखो हमने हमनेट लिखा हुआ मतलब नेटवर्क प्रेजेंट होगा दोनों तरफ ऑल्टरनेट है तो याद रखने की जरूरत नहीं है यहाँ पर सिंपल कम मिलता है पिनेटली वाला लीव ज्यादा कॉमन है यहाँ पर उल्टा है यहाँ पर सिंपल वाली लीव ज्यादा मिलती है पिनेटली कंपाउंड रेयर होता है यहाँ पर स्ट्यूप्युलेट लीफ है स्ट्यूपलेट का मतलब क्या होता है बच्चों स्टूप्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और यहाँ का लीव बेस सोलन होता है इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं पल्बिनस लीव बताया था ना स्वलन लीव बेस मिलता है में. यहाँ पर पर कैसी लीव्स मिलती, मिलती है यहाँ पर एनसीआरटी ने लिखा हुआ है जैसे मटर आता है ना इसमें तो वहां के जो लीफ है किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं टेंड्रल्स के फॉर्म में तो इसलिए एनसीआरटी ने लिखा हुआ है कि लीव्स या आर मॉडिफाइड इनटू फ्लोरोसेंस यहाँ पर सिर्फ तो रेसीमोज है है, और साइमोज को एक्सप्लेन किया हुआ है सोलिट्री और एक्सल को एक्सप्लेन नहीं किया बट लिखती है बट हमने एक्सप्लेन कर रखा है बच्चों नोट में ठीक है फ्लावर फ्लावर हमने देखो ये सिंबल बनाया था दैट मीन्स ये जाइगोमॉर्फिक है ये वाला सिंबल बनाया था दैट मीन्स ये बाइसेक्शुअल है कंप्लीट सारे वर्ल्स होंगे तो कंप्लीट कहा जाएगा हमने यहाँ पर ये सिंबल बनाया था तो एक्टिनोमॉर्फिक है ये तो फ्लोरल फार्मूला से ही हो जाएगा ये सिंबल बनाया था तो बाइसेक्शुअल है सारे वर्ल्स है तो कम्प्लीट है ठीक है तो आप खुद देखो बच्चों हमने सारे वेजिटेटिव कैरेक्टर्स ले लिए और फ्लोरल फॉर्मूला की मदद से सारे के सारे फ्लोरल कैरेक्टर्स भी समझ ली अब आपने क्या करना है बच्चों आपने याद रखना है इनके एग्जाम्पल्स ये इनके एग्जाम्पल्स हैं इग्जाम्पल्स को ना उनके यूज़ के साथ याद रखना जैसे ये सारे खाने के लिए सारे दाल हैं तो अरहर हो गया अरहर हो गया ग्राम हो गया सेम हो गया मूंग हो गया सोयाबीन हो गया ठीक है ये सारे खाने के लिए इस्तेमाल होते हैं ठीक है सोयाबीन का जैसे ऑयल बनता है ठीक है सोयाबीन ऑयल ग्राउंड नट ऑयल तो पहले फूड हो गया ठीक है दूसरा क्या हो गया फॉर्डर फॉर्डर के लिए कौन इस्तेमाल होता है ट्राइफोलियम और सिस्बेनिया क्योंकि क्वेश्चन ही आता है बच्चों ऐसे लेग्यूम प्लांट का नाम बताओ जिसको एज अ फॉडर यूज करते हैं तो जब आप तक आपको याद नहीं होगा कि ट्राइफोलियम और सिस्बेनिया को फाउडर की तरह इस्तेमाल करते नहीं कर पाओगे ठीक है तीसरा आपको याद रखना है एडिबल ऑयल सोयाबीन और ग्राउंड नट को चौथा इंपॉर्टेंस है इसका डाइज इंडिगो फेरा इंडिगो मीन्स ब्लू कलर इसको डाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है फिर कुछ प्लांट से फाइबर्स एक्सट्रैक्ट करते हैं दैट इज हेम्प कुछ को सजाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ऑर्नामेंटल दैट इज ल्यूपिन और स्वीट पी स्वीट पी इज लथाइरस लथायरस लथाइरस ठीक है खाने के लिए गार्डन पी खाते हैं हम ठीक है गार्डन पी क्या होता है गार्डन पी पाइजम सटाइवम पाइजम सटाइवम है जिसपे मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था ठीक है मेडिसिन के लिए कौन इस्तेमाल होता है बच्चों मेडिसिन के लिए इस्तेमाल होता है मुलेठी जो गले के लिए बहुत अच्छा है तो सारे के सारे क्या है लेग्यूम प्लांट है के अंदर आते हैं. अच्छा कभी कभार फेबेसी नहीं होता तो लेग्यूमिनोसे होता है लेग्यूमिनोसे लेग्यूमिनोसे फेबिसी का ही पुराना नाम है जब सफिक्स ए -E से एंड होता था फिर रिवाइज किया गया नाम फेबिसे हो गया सफिक्स एसी से एंड होने लगा ठीक है इसके सोलनेसी को एग्जाम्पल देख लो ये सारे खाने के तौर पर इस्तेमाल करते हैं नंबर वन इम्पोर्टेंस फिर चिली मिर्ची को स्पाइस की तरह टोबैको क्या है टोबैको इज अ फ्यूमिगेटरी प्लांट ठीक है डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऐसा प्लांट है पोटैटो फैमिली के अंदर जो फ्यूमिगेटरी प्लांट होता है तो दैट इज टोबैको फोर्थ मेडिसिन के लिए अश्वगंधा का नाम सुना होगा और एक होता है एट्रोपा बेलाडोना दे आर यूज फॉर मेडिसिनल पर्पज सजाने के लिए ऑर्नामेंटल दैट इज प्यूटोनिया ठीक है तो आपको इसी तरीके से आपको सारे एग्जाम्पल्स बच्चों लिख लो लिखने के बाद भूलोगे नहीं क्योंकि इसमें इतने एग्जाम्पल्स है कितना निमोनिक्स बना लोगे बना लेते हो बहुत बढ़िया बात है नहीं तो अपना जो प्रैक्टिस है ना रिवीजन है वो कभी धोखा नहीं देती है है ना तो जितनी बार लिखोगे उतना इजी हो जाएगा आपके लिए आप भूलोगे नहीं तो ये हमने क्या पढ़ा है बच्चों ये हमने पढ़ा है दो फैमिली इनके फ्लोरल फार्मूला समझ लेते हैं ये फ्लोरल फार्मूला फार्मूलासी का है ये फ्लोरल फार्मूला फेबिसी का है किसका है का है ये डॉट क्या डिनोट करती है बच्चों मदर एक्सिस पोस्टीरियर साइड ऑफ द फ्लावर ये मैंने आपको बता दिया है ये है लिलियसी का लिलियसी अभी पढ़ा नहीं है जब पढ़ लोगे तब इसका फ्लोरल फार्मूला समझाएंगे ठीक है सॉरी डायग्राम समझाएंगे फ्लोरल फार्मूला को लिखते कैसे हैं बाहर से अंदर की तरफ ठीक है सबसे पहले बाहर कैलिक्स देन करोला देन एंड्रोशियम देन गाइनोशियम डायग्राम में भी बच्चों इसी तरीके का होगा सबसे अंदर जो है वो गाइनोशियम का डायग्राम है उससे बाहर एंड्रोशियम है उससे बाहर क्या है कोरोला है और सबसे बाहर क्या है कैलिक्स है यहाँ पे भी यही है ये जो सबसे अंदर है ये गाइनोशियम है ये उससे जो बाहर है वो एंड्रोशियम है ये क्या है यहाँ पर कोरोला और सबसे बाहर है कैलिक्स ठीक है इसी तरीके से अब सुनना यहाँ पर आपको क्या क्या चीजें पता चल रही है डायग्राम से अगर सबसे अंदर आप देखोगे तो इस डायग्राम के थ्रू आप प्लेसेंटा बता सकते हो कैसा है प्लेसेंटेशन कैसी है क्योंकि डायग्राम के थ्रू ही एमेस्टिवेशन और प्लेसेंटेशन बता सकते हैं बच्चों ठीक है तो यहाँ पर देखो आपको आसानी से दिख रहा है कि ओव्यूल सारे के सारे बीच में तो प्लेसेंटेशन कैसी है बच्चों एक्साइल प्लेसेंटेशन है ठीक है कैसी प्रेजेंटेशन है एक्साइल आप देखो यहां पर एक चैम्बर ये है ओवरी का दूसरा चैम्बर ये है इसीलिए हमने क्या लिखा हुआ था बायर ओवरी सोलनेसी के अंदर खोल करके बैठो टेबल फटाफट हो जाएगा ठीक है आप ये देखो सेप्टा तेढ़ा है इसीलिए हमने लिखा था ओब्लिक सेप्टा ऑब्लिक सेप्टा ठीक है तो ये हो गया गाइनोशियम के बारे में अब बाहर देखो एक दो तीन चार पांच है ना हमने ए फाइव लिखा हुआ है तो A5 क्यों लिखा था क्योंकि एंड्रोशियम में कितने स्टेमेन है पांच देखो एक दो तीन चार पांच बट ये पांचों के पांचों स्टेमेन की डंडी देखो किससे जुड़ी हुई है कोरोला से जुड़ी हुई है इसीलिए हमने इसको ऐसे शो किया हुआ है किया हुआ है ना शो तो ये क्या दिखाता है ये एसोसिएशन क्या दिखाता है एपी कंडीशन अब देखो उससे बाहर क्या है एक दो तीन चार पांच पांच पेटल्स हैं, बट सारे के सारे पेटल्स देखो यहां से जुड़े हुए जुड़े हुए ना, इसीलिए के, के सी, सी तो दिखा रहा था ठीक है इसके बाहर क्या है ये देखो एक दो तीन चार पांच पांच सेपल्स हैं ठीक है इसलिए और सारे के सारे जुड़े हुए देखो सारे के सारे जुड़े हुए यहां से तो के

इसीलिए बोला था कि अगर एस्टिवेशन और प्लासेंटेशन बताना है तो किसकी मदद लोगे फ्लोरल डायग्राम की मदद लोगे फ्लोरल डायग्राम से आपको इसमें क्या ये पता चल रहा है गाइनोशियम को देखिए क्या ये पता चल रहा है ओवरी सुपीरियर है इनफीरियर नहीं ठीक है ये कब पता चलता है डायग्राम के थ्रू तो लिखोगे पोजिशन ऑफ ओवरी पोजिशन ऑफ ओवरी नॉट बी डिपिक्टेड नॉट बी डिपिक्टेड ये कैसे पता चलेगी ये फॉर्मूला के थ्रू पता चलेगी ठीक है ऑफ -फट एक तो इसलिए हम लिखते हैं यूनी लॉक्यूलर ठीक है ये यहाँ पर साइड में है ओव्यूल इसीलिए इसको बोलते हैं मार्जिनल प्लाजेंटेशन तो देखो आपने प्लाजेंटेशन फटाफट बता दी इससे ठीक है कैसी प्लेसेंटेशन है मार्जिनल है ठीक है उसके बाद ये देखो एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस सॉरी एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ हाँ गलत दिया हुआ है नौ होना चाहिए बच्चों ठीक है नौ होना चाहिए और एक अकेला होना चाहिए इसलिए हम इसको लिखते हैं ए नाइन प्लस वन एक साथ एक अकेला इसको क्या बोलते हैं हम इसको बोलते हैं डाई एडल्फस कंडीशन डाइडल्फस होता है ना इसलिए इसको ऐसे दिखाया हुआ है नौ एक साथ जुड़े हुए हैं और एक अकेला है नेक्स्ट ये देखो वन टू थ्री फोर फाइव तो हम इसको लिखते हैं सी वन प्लस टू प्लस टू इसको क्या बोलते हैं बच्चों वेग्जलरी एस्टीवेशन जिसमें हमने बनाया था ना ये सबसे बड़ा है इसको हम बोलते हैं वेग्जिलम साइड वाले को हम क्या बोलते हैं विंग लेट्रल ठीक है और इसको छोटे वाले दो को क्या बोलते हैं कील जो एसोसिएटेड होता है तो हम इसको दिखाते हैं ऐसे बच्चों ये मत समझना कि मैं बहुत बता रही हूं. क्योंकि ये तो हम ऑलरेडी सारा कुछ पढ़ चुके हैं ठीक है थीके? तो ये आपको पता होना चाहिए रिवाइज करके बैठना ये लेक्चर देखने ओके उसके बाद बाहर देखो बच्चों एक दो तीन चार पांच पांच सेपल्स हैं सारे के सारे फ्यूज है ना इसीलिए के फाइव लिखा जाता है ठीक है तो फ्लोरल फार्मूला बच्चों इस तरीके से समझा जाता है नीट में तो क्या देंगे बच्चों ये डायग्राम उठा करके दे देंगे और आपको पहचानना होगा कि ये किसका डायग्राम है तो या तो आप देख लो और अपने दिमाग में बसा लो नहीं तो आपको समझा भी दिया है कि फ्लोरल डायग्राम से क्या समझते हैं और फ्लोरल डायग्राम से क्या क्या चीज़ें पता चल सकती हैं और क्या क्या चीज़ें फॉर्मूला के थ्रू पता चलती हैं ठीक है और इसको एज इट इज बनाना होता है बच्चों अपने मन के अकॉर्डिंग नहीं बनाते हैं हम जितना होता है जैसे यहाँ पर नौ होता है तो नौ ही बनाओगे दसवा बना दोगे गलत हो जाएगा ठीक है जैसे फॉर्मूला गलत नहीं कर सकते फ्लोरल फार्मूला भी गलत नहीं कर सकते अब एक बचा है किसका मोनोकॉर्ट फैमिली का और बता देती हूँ फटाफट मोनोकॉर्ट का फॉर्मूला होता है बी आर बी आर मतलब ब्रैक्टिएट है इसका मतलब क्या होता है बच्चों प्लस का मतलब एक्टिनोमॉर्फिक इसका मतलब बाइसेक्सुअल पी मतलब पेरियंस मतलब यहाँ पे कैलिक्स करोला नहीं है दैट ये इनकम्प्लीट फ्लावर है थ्री प्लस थ्री मतलब छह टेपल्स हैं सारे सारे के आपस में एसोसिएटेड है ए मतलब एंड्रोशियम कितने स्टेम है छह स्टेम तीन प्लस तीन तीन एक साथ है तीन अकेले हैं बट वो सारे के सारे किससे जुड़े हुए हैं पेरियन से जी के नीचे डैश लगा हुआ मतलब है मतलब हाइपोगाइनस है तीन लगा हुआ है ट्राई कार्पेलरी है ब्रैकेट के अंदर बंद है मतलब सिन कार्पस है तो देखो यही सारी बातें लिखी होंगी इनफ्लोरोसेंस याद रखना कैसा होता है साइमोस सॉलिट्री लिली में सॉलिट्री होता है ठीक है और अम्बलेट क्लस्टर्स होते हैं अम्बलेट क्लस्टर्स एनसीआरटी है। का मतलब क्या होता है ये देखो ये नई दो होगी तो डायग्राम वाली उससे पुरानी होगी तो हैं और देखो एक एक्सेस पर एक ही फ्लावर है इसलिए इसको सोलिटरी बोलते हैं है ना और इस तरीके के क्लस्टर को हम क्या बोलते हैं बच्चों अम्बलेट क्लस्टर तो यही एनसीआर ने वर्ड यूज किया हुआ है फ्लावर कैसा है बाइसेक्शुअल कैलिक्स करोला नहीं होते हैं तो इनकम्प्लीट

ठीक है फ्लोरल फॉर्मूला के मदद से हमने सारा का सारा कैरेक्टर्स पढ़ लिया अब आपको सिर्फ या, ये याद रखना पड़ेगा डिस्ट्रीब्यूशन वर्ल्ड वाइड है हैबिट क्या हो सकता है हर्ब्स लिली को देख लो अनियन इसी में आता है एलो इसी में आता है तो दे आर पेरेनियल किसी किसी में जो इनका हैबिट uh, है दे कैन बी अंडरग्राउंड जैसे बल्ब राइजोम कॉर्मी सारी अंडरग्राउंड स्टेम है मॉडिफाइड फॉर्म ठीक है रूट मोनोकॉट है तो बच्चों एडवेंटिशियस भी हो सकता है और फाइबरस भी हो सकता है स्टेम कैसा होगा अंडरग्राउंड जैसे फॉर एग्जाम्पल राइजोम भी हो सकता है कॉर्म भी हो और स्टेम एरियल भी हो सकता है मॉडिफाइड स्टेम है, है. है, well. है, है वो एरियल ही होता है ठीक है लीव्स क्योंकि मोनोकॉट है तो याद रखोगे पैरल सब में अभी तक जितना भी एग्जाम्पल एनसीआर पढ़ाती है फैमिली का सब में क्या है ऑल्टरनेट स्टिप्यूल्स प्रेजेंट नहीं होता इसीलिए एक्स ट्यूपुलेट टूप्यूल्स नहीं होते ना तो एक्स ट्यूपुलेट ठीक है तो देखो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स भी हमने कर लिया सबसे ईजी है फ्लोरल कैरेक्टर करना क्यों फ्लोरल फॉमुला याद रखो फ्लोरल कैरेक्टर अपने आप याद रहेगा और ये आता है बच्चों इसका एग्जाम्पल तो इसमें आते हैं कॉल्सिकम ये वही है बच्चों जो जिससे एक माइटोजेन स्क्रीट करते हैं माइटोटिक पॉइजन नॉट माइटोजेन माइटोटिक पॉइजन दैट इज कॉल्सिजेन जो मेटाफेस पर सेल को अरेस्ट कर देता था ठीक है तो इसी प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है ऑर्नामेंटल के लिए ट्यूलिप ग्लोरियोसा मेडिसिन के लिए एलो वेजिटेबल के लिए एस्टारकस दीज आर ऑफ चार बार लिखो फटाफट याद हो जाएगा ठीक है तो आज का जो लेक्चर है बच्चों दिस वॉज ऑल अबाउट द डिफरेंट फैमिलीज है ना फटाफट इसको एनसीआर से रीड करोगे एग्जाम्पल्स याद करोगे लिखोगे एंड दैट विल एंड योर फिनिश योर चैप्टर सो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर